तो स्वागत है आपका जीपैट डिस्कशन कॉर्नर में। जीपैट डिस्कशन कॉर्नर, जीपैट क्वालिफाई करना ही है। तो आज का हमारा डेली जीपैट सेट ऑफ एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 341 से क्वेश्चन नंबर 350 तक। अगर इसके पहले के क्वेश्चंस अगर आपको देखने होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर आप उन वीडियोज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, पर एक छोटा सा अनाउंसमेंट कि इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी जाकर आपको हर एक कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा और कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बीच में वीडियो छोड़ो मत और लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का इस वीडियो का वो है, द फॉलोइंग चिलेटिंग एजेंट कैन बी गिवन ओनली बाय इंट्रावेनस रूट। मतलब ऐसा कौन सा चिलेटिंग एजेंट है जो हम लोग पॉइजन के कंडीशंस में यूज़ करते हैं पर वो खाली हम लोग आईवी रूट से ही दे सकते हैं, ऐसा कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ लेंगे। सबसे पहले ऑप्शंस आर डेफेरासिरॉक्स, डेसफिरॉक्सियामाइन, डेफेरापिरोन और नन ऑफ द अबाव। ओके, डेसफेरॉक्सियामाइन, फेरिओक्सामाइन। ओके, तो इसका सही आंसर जो है वो है डेसफेरिओक्सामाइन, दैट इज ऑप्शन बी। डैश फेरिओक्सामाइन जो है हम लोग खाली आईवी रूट से ही दे सकते हैं। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, डैश फेरिओक्सामाइन आईवी रूट से हम लोग देते हैं जो कि एक चिलेटिंग एजेंट है, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एंटीडोट कैन बी यूज टू ट्रीट स्क्लेरोडर्मा। ऑप्शन आर डाइमर कैप्रॉल, डेफेरीप्रोन और पेनिसिलामाइन और सक्सीमर। ओके, तो इसका हम लोग का सही आंसर जो है ऑप्शन सी है, दैट इज डी पेनिसिलामाइन, जो कि हम लोग स्क्लेरोडर्मा का एंटीडोट करके यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइन ड्रग इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ अमेबिक इन्फेक्शंस। गाइस, जब भी अमेबिक इन्फेक्शंस मतलब अमीबिक डिसेंट्री होती है, मतलब जो अमीबा होता है वो बारिश के दिनों में फूड से या फिर किसी भी सोर्स से हम लोग के बॉडी के अंदर आ जाता है और बॉडी को फिर हार्म करता है। मेनली जो इंटेस्टाइनल जो हेल्थ है उस पर वो इंटरफेयर करता है और फिर डिसीजेस डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है। तो इसके पहले हम लोग ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शंस आर क्विनिडोक्लोर, मेट्रोनिडाजोल, पैरामोमाइसिन एंड नीटाथोनाक्साइड एंड नीटाजोक्सानिड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग के ऑप्शंस हम लोग पढ़ लिए, हम लोग आंसर देखेंगे। इसका सही आंसर जो है वो है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल हम लोग यूज़ करते जब भी अमेबिक इन्फेक्शन हम लोग को होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज मेट्रोनिडाजोल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज यूज लोकली फॉर डर्मल लैशमिनियासिस। ओके, इसके लिए हम लोग ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शंस आर पैरामोमाइसिन, एम्फोटेरिसिन बी, मेट्रोनिडाजोल एंड मिल्टेफिसोन। ओके, जो जो डर्मल लैशमेनियासिस होता है वो हम लोग उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पैरामोमाइसिन, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, पैरामोमाइसिन इज बीन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डर्मल लैशमेनियासिस। और मिल्टेफिसोन जो है हम लोग के पास वो हम लोग ओरल ही देते हैं। एम्फोटेरिसिन जो बी है वो हम लोग आईवी रूट से देते हैं और मेट्रोनिडाजोल जो हम लोग अमेबिक डिसेंट्री में यूज़ करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉट अ बल्क फॉर्मिंग एजेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। गाइस, कॉन्स्टिपेशन जब भी होता है, मतलब चाहे फिर वो फूड के वजह से हो, सर्जरी के वजह से हो या फिर कोई ड्रग्स लिया, जैसे कि मॉर्फिन का साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन, बराबर, तो वैसे उसी के वजह से हो, तो कॉन्स्टिपेशन को अगर हम लोग को ट्रीटमेंट करना है तो हम लोग कौन सा, बहुत सारे एजेंट्स है जो कि कॉन्स्टिपेशन को यूज़ करते हैं, मतलब ट्रीट करते हैं, पर बल्क फॉर्मिंग एजेंट यहाँ पे से कौन सा नहीं है हम लोग को फाइंड करना है। ओके, जैसे कि बल्क फॉर्मिंग एजेंट मतलब वो बल्क फॉर्म करता है और वाटर को वगैरह एब्जॉर्ब करके और फिर वो जो फिशेस को है वो इवैक्यूएट कर देता है। ओके, जैसे कि फार्माकोग्नोसी में आपने पढ़ा रहेगा कि इसबगुला जो सीड्स होते हैं, इसबगुला वो हम लोग इसबगुला जो होता है वो एज एन बल्क लैक्सेटिव हम लोग देते हैं
जिसकी वजह से वो अंदर जाके फिर स्वेल हो जाता है, बल्क फॉर्म होता है, फिर वो फिशेस को इजीली इवैक्यूएट करता है बॉडी से, जिससे फिर वो कॉन्स्टिपेशन ट्रीट हो जाती है। तो ऑप्शंस पढ़ लेंगे हम लोग, सबसे पहले डॉक्यूसेट्स, सिलियम, इसबगुला एंड मिथाइल सेलुलोज। तो भाई यहाँ पे डॉक्यूसेट्स जो है वो एक नॉन बल्क फॉर्मिंग एजेंट है, बल्क फॉर्मिंग एजेंट वो नहीं है, और तो भी वो ट्रीटमेंट करता है कॉन्स्टिपेशन का। बाकी इसबगुला, साइलियम और मिथाइल सेलुलोज जो है वो उसका सुर जो है वो नेचुरल है, और नेचुरल होने की वजह से फिर वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर को एब्जॉर्ब करके फिर वो बल्क फॉर्म करते हैं और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करते हैं। ओके, तो इसका सही ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन ए, दैट इज डॉक्यूसेट्स। डॉक्यूसेट्स इज अ नॉन बल्क फॉर्मिंग एजेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई स्टूल सॉफ्टनिंग एजेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। गाइस, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के हम लोग के पास बहुत सारे वेज है, बराबर। तो वो वेज हम लोग कैसे कैसे, कि हम लोग बल्क फॉर्मिंग एजेंट यूज़ करते हैं जिसके वजह से फिशेज जो है वो इजीली पास ऑन हो जाते हैं, या फिर हम लोग को स्टूल को जो है हम लोग सॉफ्ट कर देते हैं, क्योंकि स्टूल जब भी हार्ड होता है तभी वो फिर वो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मतलब वो इजीली बॉडी से पास नहीं हो पाता। पर जब भी हम लोग स्टूल को हार्ड मतलब सॉफ्ट करेंगे, उसमें अगर मॉइस्चर लाएंगे, तो फिर वो इजीली बॉडी से पास हो जाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। तो अभी स्टूल सॉफ्टनिंग एजेंट क्या क्या है जो कि ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करते हैं हम लोग देखेंगे। डाइटरी फाइबर, ब्रैन, इसबगुला, मिथाइल सेलुलोज एंड लिक्विड पैराफिन। गाइज, हम लोग देखते हैं कि बिस्किट्स में हाई फाइबर होता है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, पर वो एज एन प्रिवेंटिव मेजर हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब फाइबर ही फूड हम लोग खाते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, पर वो एज ए ट्रीटमेंट नहीं यूज़ कर सकते। पर ऑप्शन इसबगुला और मिथाइल सेलुलोज जो है वो बल्क लैक्सेटिव्स के अंडर आता है, वो स्टूल सॉफ्टनिंग एजेंट नहीं है, इसलिए हम लोग का सही आंसर जो है वो है लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन, दैट इज़ ऑप्शन डी, वो एक स्टूल सॉफ्टनिंग एजेंट है जिसके वजह से हम लोग कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो उसका हम लोग का सही आंसर है ऑप्शन डी, लिक्विड पैराफिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, आइडेंटिफाई ऑस्मोटिक टाइप पर्गेटिव इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ऑस्मोटिक टाइप मतलब ऑस्मोसिस वाटर, इसके रिलेशन में ऑस्मोटिक टाइप मतलब जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो फिशेस को इवैक्यूएट कर देता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग के पास ऑस्मोटिक टाइप पर्गेटिव हम लोग को ढूंढना है गाइस। तो ऑप्शन से लिक्विड पैराफिन, लैक्टिटॉल, डॉक्यूसेट्स और मिथाइल सेलुलोज। तो लिक्विड पैराफिन हम लोग नॉकआउट सिस्टम यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। लिक्विड पैराफिन स्टूल सॉफ्टनिंग एजेंट है, डॉक्यूसेट्स हम लोग ने देख लिया है पहले वाले क्वेश्चंस में, मिथाइल सेलुलोज भी जो है वो बल्क फॉर्मिंग एजेंट है इसबगुल जैसे। तो यहाँ पे हम लोग का सही ऑप्शन है ऑस्मोटिक टाइप में, वो है लैक्टिटॉल। ओके, लैक्टिटॉल जो है वो ऑस्मोटिक टाइप पर्गेटिव के अंडर आ जाता है, उसका सही आंसर है लैक्टिटॉल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई स्टिमुलेंट पर्गेटिव ड्रग इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो गाइस, हमने देखा ऑस्मोटिक, देखा स्टूल सॉफ्टनिंग वाला, देखा ऐसे हमने देख लिए बराबर अलग अलग। ओके, बल्क फॉर्मिंग वाले देखे, ये सब गुला एग्जांपल जिसका है। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा गया है कि स्टिमुलेंट पर्गेटिव ड्रग कौन सा, मतलब जो स्टिमुलेट करता है स्टूल बैग को, रेक्टम को, और जिससे फिर वो स्टूल बॉडी से निकल जाता है और कॉन्स्टिपेशन जो है वो ट्रीट हो जाता है। तो उसके ऑप्शंस है मैग्नीशियम सल्फेट, लैक्टुलोज, प्रोकैलाप्राइड और सोडियम फॉस्फेट। तो क्या इसका सही आंसर जो है वो है प्रोकैलाप्राइड। प्रोकैलाप्राइड हम लोग यूज़ करते हैं एज एन स्टिमुलेंट पर्गेटिव, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, चलते इस वीडियो के सेकंड लास्ट क्वेश्चन के पास, वो है द फॉलोइंग ड्रग इज अनायनिक डिटर्जेंट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अनायनिक डिटर्जेंट, ओके, तो यहाँ पे हम लोग के पास ऑप्शन से बाइसाकोडाइल, डॉक्यूसेट, प्रोकैलोप्राइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो गाइस, डॉक्यूसेट जो है, जो
एनायनिक डिटर्जेंट्स के क्लास के अंडर आता है। हम लोग को जस्ट याद रखना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, पर डॉक्यूसेट जो है वो एक अनायनिक डिटर्जेंट्स है। चलते इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के पास, जो कि है आइडेंटिफाई मैकेनिज्म ऑफ ड्रग प्रूकैलोप्राइड इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ओके, प्रूकैलोप्राइड हम लोग का आंसर था पिछले वाले क्वेश्चन में, जो कि ये था कि ओके तो हम लोग का जो था वो प्रूकैलोप्राइड हम लोग ने देख लिया था कि वो एक स्टिमुलेंट एक्टिविटी है, उसका स्टिमुलेंट एक्टिविटी से वो कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करता है। तो यहाँ पे हम लोग को ड्रग प्रूकैलोप्राइड का मैकेनिज्म जानना है। तो उसका मैकेनिज्म क्या है, तो उसका है 5-HT4 एंटागोनिज्म, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड अगोनिस्ट, 5-HT4 अगोनिस्ट और ऑस्मोसिस। तो गाइस इसका जो मैकेनिज्म है वो है 5-HT4 का अगोनिस्ट, ओके, जो कि है प्रूकैलोप्राइड, दैट इज ऑप्शन सी। तो दैट्स ऑल गाइस, हमने सॉल्व कर लिए 341 से 350 10 क्वेश्चंस विद अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जीपैट के कंसिडरेशन में इम्पोर्टेंट लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपको वादा करता हूँ कि आपका जीपैट एग्जाम होने तक ऐसे ही वीडियोज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते रहेंगे। तो गाइज फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पॉकेट में से कुछ नहीं जा रहा, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो दैट्स ऑल गाइज, अगला वीडियो आने तक हम लोग यही कहेंगे कि वी बिलोंग्स टू जीपैट डिस्कशन कॉर्नर, जीपैट क्वालिफाई करना ही है।